सिंधरी चौराहा सड़क को लेकर रणवीर सिंह भादू का बड़ा बयान। सिंधरी चौराहा सड़क को लेकर लोगों ने सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर, सिंधरी चौराहे से लेकर सिंधरी की तरफ जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता रणवीर सिंह भादू के नेतृत्व में स्थानीय मार्केट के सैकड़ों लोगों के साथ महावीर पार्क में इकट्ठा होकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी एवं रोष प्रकट करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 4 साल से जनता परेशान हो रही है, दुकानदारों का सामान डस्ट से खराब हो रहा है, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, इस हेतु यदि 2 महीने में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो सड़क निर्माण कंपनी एवं संबंधित विभाग के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा। पनावड़ा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। आज जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया, वो किस संदर्भ में था? आज हम लोग सिंधरी चौराहे से लेकर सिंधरी की तरफ जाने वाली सड़क की स्थिति को लेकर, जो कई वर्षों से वहाँ टूटी हुई पड़ी है, आज वहाँ सड़क का नामो निशान नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, कंकड़ पड़े हैं, इतनी सारी डस्ट प्रतिदिन उड़ती है कि दुकानदारों का सारा खराब हो रहा है, राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है और उसके साथ साथ आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं कंकड़ों की वजह से, उनके व्हीकल खराब हो रहे हैं। तो इस सारी स्थिति को लेकर सिंधरी चौराहे की मार्केट के लोग काफ़ी समय से दुखी थे और उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से इस संदर्भ में के अंदर शिकायत भी की, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग सारे आज सिंधरी चौराहे की मार्केट के सारे व्यापारी लोग और स्थानीय लोग, बलदेव नगर और रामनगर के वासी, सारे जिला कलेक्टर से मिले, माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और हम लोगों ने उस ज्ञापन के अंदर ये बताया कि यदि 2 महीने के अंदर संबंधित फर्म जिसको ये ठेका दे रखा है सड़क बनाने का, वह 30 सितंबर तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं करती है तो उस संबंधित फर्म और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम न्यायालय में वाद दायर करेंगे और उस संबंधित फर्म को 50,000 रुपये प्रति दुकानदार मुआवजे की मांग भी हम करेंगे। इसलिए आज हम लोग सारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM साहब से मिले।